गाइस आज हम गए थे ड्यू फ्रेशविल, तो इतना गंदा सीन हुआ वहाँ, इतना गंदा सब बंद करवा दिया, क्या सबको भगा दिया गया। मतलब लोगों ने वहाँ पोस्टर फाड़ दिए थे, लिटरली पोस्टर फाड़ दिए। हेलो गाइस, तो आज हम डीयू फ्रेशविल जा रहे थे जो गुरुग्राम में हो रहा था, पोलर क्लब करके स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। हम काफी जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि हमारा एक दोस्त परफॉर्म करने वाला था, तो अभी तो बस तैयारी ही हो रही थी क्योंकि बहुत सुबह सुबह पहुंच गए थे, तो अभी बस स्टार्ट ही हो रहा था। उधर किधर खोए हो? कैटवॉक होने वाला भाई, कैटवॉक। नेचर के रक्षक मैं भी हूँ, नेचर रवाजों से संवादों से क्यों काटे मुझे, क्यों बाटे मुझे इस तरह, क्यों सन्नाटे वक्त का जब सच साले साटा ऐसे रख, साटा ऐसे रख, साटा ऐसे रख, साटा वो सिंग है लक्ष्योरिया की जगह ये कहानियां बोलेंगे। बिल्कुल भाई, मुझे इतना बताए कोई कैसे तुझे से बिना लगाए कोई। इश्क़ है पिया, रंग जाओ यो
आज हम गए थे डीयू फ्रेशविल, तो इतना गंदा सीन हुआ वहाँ, इतना गंदा क्या भाई। देखो एक तो हमारी रातों रात वेन्यू चेंज हो गई और हमने झेल लिया। हाँ वो भी झेल लिया, पहले यहाँ ध्यानचंद में था, दिल्ली के अंदर ही था, बट वो हो गया अब गुड़गांव में। तो वो भी पोलर क्या था, पोलर ग्राउंड में हुआ था, ठीक है, हाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ था। उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस भी थी, हाँ इसकी परफॉर्मेंस थी, और इसीलिए हम स्पेशली गए थे, वो भी सुबह 7:30-6 बजे उठ के और इतनी जल्दी पहुंच गए थे। उसके बाद हम बैठे रहे, पहले शो 10-11 बजे का था, उनने कर दिया 2 बजा दिए स्टार्ट करते करते, और जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद रैंप वॉक हुई, और उसके बाद जैसी फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई गाने की एक भैया की, उसके बाद आ गई कौन, आया हमारे पुलिस, आ गई पुलिस, हमारे ताऊ आ गए, हाँ पुलिस आ गई, सब बंद करवा दिया। एक दो गाने ही होते, मैंने वीडियो डाली रखी है, वो आप देख लेना पूरी। पूरी जो भीड़ थी सबको भगा दिया गया, और हमारा सबका मूड इतना खराब हुआ ना लिटरली। एक तो इतना ट्रैवल करके वो गुरुग्राम पहुंचे थे, और वहां से भी मेट्रो से 13 किलोमीटर दूर, मतलब लोग तो इतने गुस्सा हो गए थे कि बस आज तो जो ऑर्गेनाइजर था उसका कल्याण ही हो जाता, बट हाँ उनके लिए बुरा लगा। मैं देख रहे हो तो भाई अगली बार का थोड़ा ध्यान रखना कि दिल्ली के अंदर ही हो और कोई स्टेडियम हो ताकि लोग सच में इंटरेस्ट दिखाएं। हाँ और मतलब लिटरली बहुत, मतलब हमें मजा आने वाला था, वाइब सेट हो गई थी लिटरली। उसके बाद पुलिस आ गई, सबको भगा दिया गया, और हमारा इतना मूड खराब हुआ ना, इतनी दूर गए थे हम, मतलब 1-1.5 घंटे का, लोग दो दो तीन तीन घंटे ढंग से नहीं करा था, तो मतलब उनने परमिशन का चक्कर हो गया था 26 जनवरी के चक्कर में, उनने पुलिस आ गई थी कि नहीं करना, तो मतलब बहुत ही सबका मूड खराब हो गया था। मतलब लोगों ने वहाँ पोस्टर फाड़ दिए थे लिटरली, आगे क्या होगा कि पोस्टपोन करेंगे या अब नहीं करेंगे या रिफंड देंगे, लेट्स सी क्या होता है। कुछ और बोलना है? बस देखो अगर मेरा नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस होगा तो हम जरूर एक, हाँ तब मैं फुल वीडियो डालूंगी इसकी भी और सबकी। बाकी अगर अभी सुनना है तो आप जाके दिल्ली के लेजेंड यूट्यूब में सुन सकते हो, तो वैसे हम भी है सी की नेक्स्ट टाइम हमारे साथ क्या होता है, वी होप कि अच्छा ही करे ऑर्गेनाइजर, एंड हमें बुरा तो लगा था कि उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, बट स्टिल क्या करे, 26 जनवरी की वजह से काफी हेट मिलेगा, बट वो एक तरफ से वो भी डिजर्व नहीं करते देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने भी जानबूझ के नहीं करा, कोई नहीं करना चाहेगा, जानबूझ के कर रहा होता, इतनी चीजें सेट नहीं करते ऑलरेडी, वो पूरा स्टेज सेट हो गया था, पूरे स्टॉल सेट हो गए थे, सब सेट हो गया था एक दिन में, किया था उन्होंने काफी प्यारा स्टेज, एक दिन में वेन्यू चेंज हुआ, तो उसी के बाद फिर नेक्स्ट डे ये हो गया। जो मेरे फैंस थे वो कोई बात नहीं, मुझे सो चलो हम ये वीडियो अभी यही एंड करते हैं, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, नमस्ते। पागल मैच के बीच में आ गया भैया।